हेलो फ्रेंड्स, मैंने बनाई थी ये ब्यूटीफुल सी साड़ी जिसे मैं सेल कर रही हूँ। ऐसी मैंने दो साड़ियाँ बनाई थी, एक मैंने सेल कर दी है और एक मैं ये सेल करने वाली हूँ। तो गोटा पट्टी वर्क का जो काम है वो कभी भी फैशन से नहीं जाता है, उसी के वर्क की मैंने ये साड़ी बनाई थी। नेट के ऊपर गोटा पट्टी का काम हो रहा है, नीचे ये देखिए पेटल्स बनी हुई है और ऊपर पूरे में जिगजैग की लाइन बनी हुई है। नीचे पतला सा बॉर्डर रखा है मैंने, क्योंकि ज्यादा चौड़ा बॉर्डर रखती ना तो नीचे जो पेटल्स है ना इसका डिजाइन ढक जाता, मैंने पतला सा बॉर्डर रखा है। साटन पट्टी से मैंने ये बनाया है और इस पर मिरर वर्क की लेस लगाई है। ऊपर पूरे में जिगजैग है। 1 मीटर नेट छोड़ने के बाद मैंने सारे बलों को सिला है, यानी मैंने ये साड़ी रेडी टू वेयर बनाई है। मैं ऊपर बेल्ट वाली साड़ियां कभी नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा बलों को सिलती हूँ और पल्लू को टच करती हूँ, तो मैंने बलों को सिला है। पर अगर आप ये साड़ी लेते हैं और आप हेल्थी हैं, मोटे हैं, तो आप सिर्फ यहाँ से 2 सिलाइयाँ खोलिए तो ये सारे बल जो है ओपन हो जाएंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा मैंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि जब बैठने उठने में ना कोई परेशानी ना हो तो अच्छे से बल सेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर पल्लू को मैंने सेट किया है, बलों को मैंने सेट कर दिया है और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम नीचे की तरफ आया है। ये देखिए ऊपर पल्लू को भी मैंने इस तरीके से सेट किया है। पल्लू में मैंने जो पेच लगाया ना वो मैंने नीचे से ही नेट के अंदर से जो ग्रीन वाली नेट है ना उसमें से ही पत्तियां कट की हैं और यहाँ पर लगा दी हैं। और अगर आपको सेट पल्लू नहीं चाहिए, आपको ओपन पल्लू पहनना पसंद है, तो आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। ये देखिए नीचे से ही मैंने ये पत्तियां निकाली हैं और ऊपर की तरफ एक पेच के रूप में लगा दी हैं। साड़ी का जो फैब्रिक है वो इतना लाइट वेट है कि पहनने के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी साड़ी में वजन नहीं है। साड़ी में वजन हो या ना हो पर साड़ी पूरी होनी चाहिए, ये बात मैटर करती है। तो मैंने 2.25 मीटर का पल्लू रखा है और 4 मीटर के जो हैं बल रखे हैं, यानी कि ये साड़ी पूरे 2.25 मीटर की है। अभी मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे साड़ियाँ वही अच्छी लगती हैं जो कि पूरी होती हैं। ये देखिए 1 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर के बाद ये बचता है, 2.25 से भी थोड़ा सा ऊपर है। और नीचे का जो ये है बलो वाला हिस्सा वो है पूरा 4 मीटर, जो कि मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। मेरी साड़ियों में यही खासियत आपको मिलेगी कि मैं आपको हर चीज क्लियर दिखाती हूँ तभी सेल करती हूँ। एक हो गया, 2, 3, 4 और 4 से थोड़ा सा फालतू। मैं जितना फैब्रिक बताती हूँ उतना ही आपको मिलेगा, उससे जरा भी कम नहीं मिलेगा। अगर 5.5 की साड़ी बोलूंगी तो 5.5 की ही आपके पास आएगी, 5.5 से नीचे की तो कोई साड़ी कभी जाएगी नहीं, बल्कि 6 मीटर की, 2.25 मीटर की साड़ी ही जाएगी। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने सेट किया है। साड़ी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है, समर सीजन के लिए तो बिल्कुल ही बेस्ट है, क्योंकि देखिए हल्की भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए और पार्टी वेयर भी चाहिए। तो ये साड़ी इसी तरह की है, हल्की है, सुंदर है और पार्टी वेयर है। अभी इसका मैं ब्लाउज आपको दिखा देती हूँ। ब्लाउज के लिए देने वाली हूँ मैं 1 मीटर साटन का फैब्रिक, जो कि जैपनीज साटन है, अच्छा वाला साटन है। साटन की भी क्वालिटी बहुत आती है, जैपनीज साटन में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, तो जो अच्छे वाला जैपनीज साटन है वो मैं दे रही हूँ। एक इसे सॉफ्ट वाला आता है वो साड़ियों का होता है, ये ब्लाउज के लिए या पेटीकोट के लिए यूज किया जाता है, तो वो वाला फैब्रिक मैंने रखा है और पूरा 1 मीटर है, क्योंकि ब्लाउज का फैब्रिक मैं बिल्कुल भी कम नहीं देती हूँ, अच्छे से बन जाए आसानी से, क्योंकि भाई टेलर भी परेशान हो जाते हैं जब कम कपड़ा जाता है। तो भाई मेरी साड़ियों की तुलना आप जो रेडीमेड साड़ियाँ आती हैं या जो मार्केट में साड़ियाँ आती हैं उनसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी साड़ियाँ पूरी होती हैं और वो साड़ियाँ देखिए पूरी नहीं होती, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो मेरी साड़ियों में फिनिशिंग भी बहुत होती है, तो चलिए हम इसकी पूरी लुक देख लेते हैं कैसी है। साड़ी के लिए भाई साड़ी के बल बहुत अच्छे होने चाहिए तब बहुत अच्छी लुक आती है, साड़ी का पल्लू बहुत अच्छा होना चाहिए तब बहुत अच्छी लुक आती है, और साड़ी का जो ब्लाउज है ना वो साड़ी की जान होता है। तो बलों को आप देख सकते हैं कितने सारे बल बने हुए हैं और काफी गहरे गहरे बल मैंने बनाए हुए हैं। साड़ी की लुक आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी मुझे तो लग रही है, आप लोगों को कैसी लगी है, इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आप ये साड़ी ले लेते हैं और आप मोटे पतले या कुछ भी हैं, जैसे अगर आप हेल्थी हैं और आपको पल्लू सेट नहीं आ रहा या बल सेट नहीं आ रहा, तो आप आसानी से इनके बलों को खोल सकते हैं, आप इसके पल्लू को जो मैंने सेट किया हुआ है उसको भी खोल सकते हैं। तो जैसे मर्जी आप इस साड़ी को कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने तो इसे कुर्ती के साथ पहनकर दिखा रही हूँ क्योंकि भाई मेरे पास इसके मैचिंग का ब्लाउज नहीं था, तो ऊपर मैं ग्रीन ब्लाउज आएगा तो कैसा लगेगा, साटन का जब ब्लाउज बनेगा तो पूरी परफेक्ट लुक आएगी और बहुत ही सुंदर लुक आएगी, बहुत ही प्यारी साड़ी। इतनी लाइट वेट है कि भाई पूरा दिन इसको पहनेंगे तभी भी नहीं थकेंगे।
और भाई मुझसे साड़ी लेने के दो फायदे हैं, एक तो आपके पास साड़ी पूरी जाने वाली है, और भाई भीड़ में भी अगर आप इस साड़ी को पहनकर खड़े हो जाएंगे या कोई भी साड़ी को पहनकर खड़े हो जाएंगे तो आप सबसे अलग दिखेंगे, क्योंकि सभी ने पहनी होगी मार्केट की बनी हुई साड़ियां और आपने पहनी होगी स्पेशल बनी हुई साड़ी मेरे हाथ की। नहीं विश्वास आता तो एक साड़ी लेकर देखिए। इससे पहले मैंने पिंक कलर की साड़ी सेल की है जो कि मुंबई पहुंच चुकी है प्रिया जी के पास। साइड में मैं पिक लगा रही हूँ, इसकी मैंने स्टोरी भी लगाई है कि पार्सल की भी स्टोरी लगाई है कि पार्सल पहुंच गया है प्रिया जी के पास, तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आपको ये साड़ी लेनी है तो मुझे यहाँ पर भी मैसेज कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फैशन बाय गीता शर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।